प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में आयोजित प्राकृतिक खेती कृषि सम्मेलन को किया संबोधित, कहा आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनने वाले लक्ष्यों पर रख रहे ध्यान। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का होगा पुनर्गठन, कुरुक्षेत्र में आयोजित बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। और हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं को देगा चालक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पहले चरण में झज्जर कैथल रोहतक जींद और पानीपत जिलों को किया शामिल। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत जिले में आयोजित प्राकृतिक खेती कृषि सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ साथ ऐसे किसान और हितधारक शामिल हुए जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक कृषि को अपनाया और सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में इस आयोजन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की भावना है। गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण विकास को लेकर एक खास तरह की धारणा बना ली गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे गांव ने सिद्ध कर दिया है कि वो न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। ये मन बना लिया था लोगों ने, भाई गांव में तो ऐसे ही जीना है, ऐसे ही गुजारा करना है, गामड़ा में कहीं बदल था है? नहीं, अब मानिन बैठा था। हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने पंडरपुर मंदिर और वाराकरी परंपरा को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। साथियों, आषाढ़ी एकादशी जो इस बार 23 जुलाई को थी, उस दिन को पंडरपुर वारी की भव्य परिणति के रूप में भी मनाया जाता है। पंडरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है। आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंडरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते हैं। इस यात्रा जिसे वारी कहते हैं में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पादुका पालकी में रखकर विट्ठल विट्ठल गाते नाचते बजाते पैदल पंडरपुर की ओर चल पड़ते हैं। यह वारी शिक्षा संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी है।
तीर्थ यात्री भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा या पांडुरंग भी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल गरीबों, वंचितों, पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां के लोगों में अपार श्रद्धा है, भक्ति है। पंढरपुर में विठोबा मंदिर जाना और वहां की महिमा, सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही अनुभव है। मन की बात के श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि अवसर मिले तो एक बार जरूर पंढरपुर वारी का अनुभव लें। कुरुक्षेत्र में आज बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लक्खी शाह बंजारा की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की घोषणा की और साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पानीपत में हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर का 400 साल प्रकाशोत्सव मनाया गया। इसमें लबाना और बंजारा समाज की भूमिकाओं का उल्लेख हुआ तो माखन शाह लबाना और बाबा लक्खी शाह बंजारा की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह की राजधानी लोहगढ़ को विकसित किया जाएगा। इस समय हमारे डीसी कुरुक्षेत्र ने कहा है कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, चार कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लक्षिशा बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। ईद उल अजहा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की। दिल्ली में ईद उल अजहा की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व बलिदान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि ये पर्व समाज में एकता और भाईचारा की भावना को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को पर्व की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि ये त्यौहार हमें मानव जाति की भलाई के लिए सामूहिक कल्याण और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी ईद उल अजहा धूमधाम से मनाया गया। 3 साल कोविड-19 महामारी के कारण मुस्लिम समाज के लोग खुले में ईद और बकरीद की नमाज अता नहीं कर पाए थे। नूह ईदगाह में मौलाना जहीर अहमद बलई ने नमाज अता करवाई। उन्होंने लोगों से सफाई रखने और गंदगी न फैलाने की भी अपील की। हम अपने भाइयों को ये संदेश करना चाहते हैं कि किसी ममनू जानवर की जो शरीयत में हलाल है और कानून में ममनू है, उसकी कुर्बानी से बचें और वही कुर्बानी करें जिस कुर्बानी की कानून इजाज़त देता है, और उसी तरीके से करें जिस तरीके से बताया है कि साफ़ सफाई का अहतमाम रखें, गंदगी ना फैलावें, गलत कामों से, सर पसंदों से दूर रहें, नेकी के काम करें, बदी के कामों से बचें। ये पर्व जो है ईद उल अजहा का बहुत प्यार से मनाना चाहिए। सारे भाइयों को अमन शांति से मिलके साथ लेके चलना है और सबको ये बताना है कि जो अशांतिपूर्वक जो बातें चल रही हैं उनको ख़त्म किया जाए, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, उनको भी बताया जाए कि हमें कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करना है और कैसे साथ में लेके चलना है सबको। ये जो त्यौहार है बहुत ही प्यार मोहब्बत भरा हुआ त्यौहार है। इस पे सारे लोगों को, पूरे देशवासियों को प्यार से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। जिस गलत काम से लोगों की भावना आहत होती है, उस काम को बिल्कुल ना करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे देशवासियों को मिलके और इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाया जाए और फिजूल की बातों में बिल्कुल ना आया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में बीपीएल परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा महिला विकास निगम पात्र परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करवाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि निगम द्वारा पहले चरण में झज्जर, कैथल, रोहतक, जींद
और पानीपत जिले के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए आयु 18 वर्ष, 12वीं पास और प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 1,000 रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नारनौल जिला प्रशासन भी लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की अपील कर रहा है। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करता है तो उस पर जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। इसलिए दुकानदारों के साथ आम लोगों को भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाजार से सामान लाने के लिए लोगों को घर से ही कपड़े की थैली लेकर जाना चाहिए। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन हो गया है। पहले सिर्फ इतना था कि हम चालान करते थे जहां हमें बड़ी क्वांटिटी में मिल जाता था या दुकानों पे। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे और जहां यूज होता है सब जगह बैन लग गया है। इसलिए कहीं से आ नहीं सकता, आ जाता है और कहीं कोई बेचने की कोशिश करेगा तो उसके चालान होंगे। मेरा जिला महेंद्रगढ़ के हर वासी से ये आह्वान है कि वो बिल्कुल तिलांजलि दे दें कि पॉलीथीन को हम यूज़ ही नहीं करेंगे और कपड़े का थैला लेकर साथ चलें। बहुत हल्का होता है, पॉकेट में भी आ जाता है, जब भी आपको सामान चाहिए तो उसमें ले। इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें तो आप राष्ट्रभक्ति दिखाते हो कि जिस पॉलीथीन के कारण जीवों को नुकसान होता है, हमारे पब्लिक हेल्थ का जो सीवरेज सिस्टम है उसका गला घोटा। दुकानदारों ने कहा कि सरकार का निर्णय सराहनीय है, प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनने वाले सामान का उत्पादन ही बंद हो जाना चाहिए। और पॉलीथीन तो जो प्लास्टिक की है उसको तो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ से ही बंद करा दो, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। अब जैसे ये प्रोडक्ट भी है, ये पैकिंग में आ रहे सारे, तो इनको भी थोड़ा बैन करो ना। ये भी अभी पैकिंग में ही है, उनका भी काटो। हमारे पास तो जो से अवेलेबल होगी वो दे देंगे। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी हद तक ठीक है। जो पॉलीथीन बंद किया गया है हर तरह का, उसका मैं समर्थन करता हूँ कि आगे से जो प्रोडक्शन यूनिट है कम से कम उनको बंद किया जाए ताकि आगे रिटेलर तक समस्याएं खत्म हो जाए। लोगों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को खाने से जहां पशुओं की मौत हो रही है, वहीं ये पर्यावरण प्रदूषण का भी महत्वपूर्ण कारक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का अच्छा फैसला है, होना चाहिए, इसे पोल्यूशन में काफ़ी राहत मिलेगी। इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं जो फैसला सरकार ने लिया है। हमारे को जो पॉली बैग है उसका यूज नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस है। इससे हमारे आवारा पशु खासकर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और हमारे को कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर से बैग लेके आएं, कैरी बैग, कपड़े का बैग। पुराने टाइम में जो हम बैग लेके चलते थे उसी टाइप से हमारे को चलना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो कैरी बैग है इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के फार्मेसी डिपार्टमेंट की छात्रा खुशी गोयल ने शोध के जरिए औषधीय गुण वाले 11 विभिन्न पौधों के मिश्रण वाली चाय का फार्मूला तैयार किया है। इस चाय के 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं जिनमें सुबह वाली चाय पीने पर स्फूर्ति मिलेगी जबकि रात वाली चाय से तनाव दूर होगा। खुशी ने बताया कि चाय बनाने के लिए अश्वगंधा, तुलसी, लेमन ग्रास, दालचीनी, गिलोय, अदरक और गोल्डन शावर सहित विशेष औषधीय गुण वाले 11 पौधों को शामिल किया गया। इन पौधों के फल, बीज, पत्ते और जड़ आदि का विभिन्न तरीकों से जरूरत के अनुसार मिश्रण किया गया है। पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जो कि इको फ्रेंडली है, मटेरियल यूज़ किया एंड उसके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, 2 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, मॉर्निंग टी एंड इवनिंग टी। जो मॉर्निंग टी है वो हमारे लिए एक एनर्जी, एज अ एनर्जी काम करेगी और जो इवनिंग टी है वो एज अ कामनेस के लिए। और जो दोनों फॉर्मुलेशंस बनाई है हमने, उसके बहुत सारे ट्रायल्स यूज़ करे हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशन बनाकर फिर हमने एक फॉर्मुलेशन सेट किया है बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिट। जितने भी हमने उसमें ड्रग्स यूज किए हैं वो सारी हेल्थ बेनिफिट के हैं, सारी हेल्थ प्रूवन है। विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर मुनीश गर्ग ने बताया कि सामान्य चाय के पैकिंग मटेरियल में माइक्रोफाइबर होता है, इसे गर्म पानी में डालते ही उसका कुछ हिस्सा पानी में छूट जाता है और वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने कहा कि इस चाय के पैकिंग मटेरियल में माइक्रोफाइबर न होने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ऐसी चाय होनी चाहिए, हर्बल चाय होनी चाहिए जिसका कुछ हेल्थ बेनिफिट हो। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि बहुत सारी रिपोर्ट देखने को मिलती है कि जो चाय का जो पैक होता है, जो बैग होता है, टी बैग, उसमें बहुत सारे माइक्रोफाइबर होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कई प्लास्टिक के बने होते हैं
जो कि हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और उसको डिस्पोज करना भी मुश्किल है, इको फ्रेंडली भी नहीं है। तो इन दो चीज़ों पे फोकस करके हमने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश की कि जिसका कुछ हेल्थ बेनिफिट हो। तो दो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए, 11 हर्ब्स हमने ली जिनके प्रूवर हेल्थ बेनिफिट्स थे, उनको लेके फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तैयार किए। और एक कॉम्बिनेशन हमने इस पर्पस से बनाया कि जो सुबह हमें जैसे एनर्जी चाहिए और एक तरह की स्फूर्ति चाहिए, उस पर्पस के लिए हमने कॉम्बिनेशन बनाया। और रात को सोने से पहले जैसे आजकल के स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, जॉब में, तो अगर हम उस चाय को एक टी बैग को लेके पीते हैं तो एक कामनेस दिमाग में आएगी और नींद भी अच्छी आएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में आयोजित प्राकृतिक खेती कृषि सम्मेलन को किया संबोधित, कहा आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनने वाले लक्ष्यों पर रख रहे ध्यान। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का होगा पुनर्गठन, कुरुक्षेत्र में आयोजित बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लक्की शाह बंजारा की जयंती पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। और हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं को देगा चालक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पहले चरण में झज्जर, कैथल, रोहतक, जींद और पानीपत जिलों को किया शामिल। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।